प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नामांकन में हुए शामिल। कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी व गांडी विधानसभा उपचुनाव से भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा बुधवार को एक साथ नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए समाहरणालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक केदार हाजरा, पूर्व मंत्री मीरा यादव, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, भाजपा नेता प्रणव वर्मा, पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह, भाजपा नेता अशोक उपाध्याय, दिनेश यादव, यदुनंदन पाठक, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंगाज, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जलान सहित कई नेता मौजूद थे। समाहरणालय पहुंचने के बाद कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के समक्ष दो सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं गांडी विधानसभा के प्रत्याशी दिलीप वर्मा के निर्वाचित पदाधिकारी डीएसओ गुलाम समदानी के पास नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान उन्होंने तीन सीट में नामांकन पर्चा दाखिल किया। बनाने की बात 600 करोड़ की लागत से 150 से ज़्यादा पथ जो कि आम जनों के आवागमन की सुविधा बहाल करने की बात, विद्यालय के अंदर विद्यालय में चार दीवारी निर्माण, विद्यालय के अंदर सैनिटरी विद्यालय में इस तरह से बहुत सारे आशीर्वाद से हम समय में भी ये क्षेत्र हमने इस क्षेत्र में क्षेत्र से श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को फिर से हमें यहाँ से सांसद बनाना है ताकि भारत सरकार में फिर से वो मंत्री बने। हर्ष कर रहा हूँ कि गांडे विधानसभा का है क्योंकि यह वो चुनाव हमें जीतना और उसके बाद झारखंड को भी जीतना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं खड़ा हूँ। को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है और अपना एक एक वोट कमल फूल छाप कर बटन दबाकर सभी को देना है। अभी विकसित भारत के लिए आपको अपना एक वोट देना है, आत्मनिर्भर भारत के लिए आप सबको अपना एक वोट देना है, महिला सम्मान के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको अपना एक वोट देना है।